Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे. आज हम मैक्रोनी स्नैक बनाएंगे जो बच्चों की बहुत ही पसंद आती है. उन्हें कुछ ना कुछ स्नैक टीवी देखते हुए चाहिए, तो क्यों ना हम मैक्रोनी से एक अलग तरह की रेसिपी बनाए. आज हम फ्राइड मैक्रोनी चटपटी करारी मज़ेदार बच्चों की फेवरेट मैक्रोनी बनाते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. उसके लिए हमने ये एक बाउल मैक्रोनी लिया है. मैक्रोनी कई तरह के शेप में आती है, हमने इस तरह का लिया है. आप चाहें कलरफुल मैक्रोनी ले सकते हैं या दूसरी तरह की जो मैक्रोनी आती है शेप में वो भी ले सकते हैं. हमने एक बाउल मैक्रोनी लिया है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैदा और कुछ मसाले हमने लिए हैं. मसालों में हमने चिली फ्लेक्स, जीरा भुना हुआ जीरा 1/2 चम्मच और ये नूडल्स मसाला 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, मैगी मसाला हमने लिया है ताकि अच्छा सा टेस्ट आए, बच्चों को अच्छा लगे खाने में, और ये हमने चाट मसाला, ड्राई मैंगो पाउडर जो हमने लिया 1/2 चम्मच. इसको बॉईल कर लेंगे. इसको उबालने के लिए हमने एक बर्तन में पानी डाल दिया है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल के इसको हम उबाल लेंगे. हमारा पानी गर्म हो गया है. गर्म पानी में ये मैक्रोनी हम डाल देंगे. मैक्रोनी इधर उबाल दें और इसको तलने के लिए हमने एक पैन में तेल चढ़ा दिया है गैस पे. तेल मेरा इधर, मेरा तेल गर्म हो जाएगा और इधर मेरी मैक्रोनी उबल जाएगी. हमारी मैक्रोनी उबल गई है. आइए इसको छान लेते हैं एक बर्तन में. ये हमारी मैक्रोनी उबल गई है. इसका पानी खूब अच्छे से ड्रेन कर लेना है. आइए इसको एक बॉल में डाल देते हैं. इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे. चम्मच हम मैदा डालेंगे. और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम. मैंने एक पैन में तेल चढ़ा दिया है, वो काफी अच्छे से गर्म हो जाए. फिर इसे हमें फ्राई करना है. ये बच्चों की बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है. ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है स्नैक के तौर पे. आप इसको बनाकर एयर टाइट कंटेनर में चाहें तो आप काफ़ी दिनों के लिए इसको रख सकते हैं, और जब आपका दिल करे या बच्चों का मन करे आप उसे खाने के लिए दे दीजिए. ये कुछ इस तरह से हमारे मिक्स हो गए हैं. अभी इन्हें हमें तल लेना है अच्छे से डार्क गोल्डन कलर में. थोड़े थोड़े करके हमें ये मैक्रोनी तल लेना है. मैक्रोनी डालने के बाद तुरंत आप हम नहीं चलाएंगे वरना ये फटने लगेगा. 1 मिनट के बाद फिर इसको हम चलाएंगे. इसको गोल्डन कलर का करना है हमें. ये बहुत ही जल्दी झटपट बनकर के तैयार होने वाला स्नैक है बच्चों के लिए, और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं. ये हमारा ये गोल्डन कलर में आ गया है. अब इसे हमें निकाल लेना है. गैस का फ्लेम बंद कर देंगे. इसे हमें बाउल में डाल लेना है. ये देखिए सस्पेंस काफी अच्छा आया है. ये देखिए आवाज आ रही है, बहुत ही अच्छा है. ये हमारा तल गया है. अब इसमें हमें मसाले मिलाने हैं. ये जो मसाले हमने बताए थे आपको ये सब इसमें मिला देना है.
और बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। बच्चों की कोई पार्टी हो रही है तो आप चाहें तो 2 से 3 दिन पहले या 1 दिन पहले इस तरह से बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रख लें। बहुत ही अच्छा स्नैक है बच्चों की पार्टी के लिए और खासतौर पे बच्चों के लिए। ये देखिए कितना अच्छा इसका रेसिपी हुआ है मेरा। एक मैं इसको खाकर भी बताऊंगी टेस्ट का, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया है। आप जरूर इसको ट्राई करें। आइए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बच्चों के लिए है तो कुछ नए अंदाज में अच्छे अंदाज में दे ताकि बच्चों को भी खाने में मजा आए। इस तरह से ये हमारी फ्राइड कुरकुरे क्रैकर मैक्रोनी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और ट्राई जरूर करें। हमारे प्यारे सभी बच्चों को यह जरूर पसंद आएगी। मेरे आंग्रे स्पून चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। Thank you.